नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। और आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे साउथ इंडिया की बहुत ही पवित्र नदी कावेरी नदी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके दो स्पेलिंग है, पहले तो स्क्रीन के ऊपर दोनों स्पेलिंग के ऊपर एक बार नजर देख लीजिए। और इसी के साथ जो है ये सदर्न इंडिया की मोस्ट सेक्रेट रिवर के अंदर टॉप करती है। ये ब्रह्मागिरी हिल्स जो वेस्टर्न घाट्स के है, यहाँ से ये सदर्न वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट के पास से शुरू होती है और ये टोटल सदर्न ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर 475 miles यानी कि 765 किलो मीटर की जर्नी ट्रैवल करती है। कर्नाटका से लेके तमिलनाडु तक ये फ्लो करती है और यहाँ पर ईस्टर्न घाट के अंदर जो है फिर समंदर में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल तक पहुँचने से पहले ये कुडलूर तमिलनाडु के अंदर जो है लिवर लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज के अंदर डाइवर्ट हो जाती है और यहाँ पर एक डेल्टा फॉर्म होता है जिसको गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हिंदू टर्मिनोलॉजी को बिलीव करने वाले इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है गैंगिस ऑफ द साउथ। तो यहाँ पर कावेरी रिवर जो है ये सेलिब्रेट होती है एज अ सेनेरी एंड सैंक्टिटी तमिलनाडु लिटरेचर के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये होली ग्राउंड है और यहाँ पर इरिगेशन कैनाल प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ जो अपर मोस्ट कोर्स है उसके साथ काफी सारे वर्ड्स जुड़े हुए हैं। कहीं पर आपको ये वर्ड अगर आपको दिखे तो ये सारे आंसर्स बनते हैं कावेरी रिवर के, जैसे कि चुनचन काटे। यहाँ पर जो रिवर है ये 900 से 1200 फीट यानी कि 275 से 365 मीटर कर्नाटका प्लेटू का ये रीजन है। फिर यहाँ पर जो है एक मेन जगह है जिसका नाम है कृष्णराज सागरा। तो यहाँ पर ये दो ट्रिब्यूटरी के अंदर विभाजित होती है जैसे कि हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ। तो यहाँ पर भी इरिगेशन के रिगार्डिंग काफी सारे डैम्स बनाए गए हैं। 12 स्क्वायर माइल्स यानी कि 31 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर रिजर्वायर बनता है। इसी के साथ कर्नाटका के अंदर ये दो बार बाइफरगेट होती है श्री रंगपट्टनम और शिव समुद्रम के ऊपर। तो यहाँ पर 80 किलोमीटर के पार्ट के अंदर इसका बाइफरगेशन देखने को मिलता है और एक तरीके से एक सेक्रेट आइलैंड जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो शिव समुद्रम का जो फॉल है यहाँ पर 2 सीरीज है, भार चुकी और गगना चुकी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहाँ पर ये टोटल 320 फीट यानी कि 100 मीटर और ये इसकी जो वीथ है ये 1000 फीट यानी कि 300 मीटर की है। और रेनी सीजन के अंदर यहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर जनरेट होता है जो मैसूर बैंगलोर और कोलार गोल्ड फील्ड्स को ये प्रोवाइड करता है। 100 माइल तक यानी कि 160 किलोमीटर तक ये पावर जो है कॉन्ट्रीब्यूट करके डिलीवर करती है। इसी के साथ तमिलनाडु के अंदर और भी कई बार ये डाइवर्सिफाई होती रहती है, ट्विस्ट करती है वाइल्ड फ्लो के अंदर, जहां पर ये सालेम भी पहुंचती है और मेटूर डैम भी पहुंचती है जिसकी लेंथ है 5300 फीट यानी कि 1620